डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं आप, हम लोग पिछले क्लास में ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग ये भी देखा था कि ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है और संरचना सूत्र उसका कैसे बनाया जा सकता है, और उसमें कीरल कार्बन की संख्या याद रखिएगा 4 होता है। तो यहाँ तक के हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए आज सीखते हैं थर्ड पॉइंट्स ग्लूकोज के बारे में कि आखिर इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज के निर्माण के बारे में हम लोग इसके नीचे एरो देंगे, लिखा जाए जब सुक्रोज को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं सुक्रोज क्या है। सुक्रोज का मतलब होता है शर्करा। शर्करा मतलब मीठा अभिकर्ता, जैसे मान लिया चीनी। और चीनी का फार्मूला के बारे में जानते होंगे, C12H22O11, ये इसका केमिकल फार्मूला होता है, ठीक है, रासायनिक सूत्र होता है। तो याद रखिएगा, सुक्रोज का मतलब होता है शर्करा, मतलब चीनी, और उसका फार्मूला C12H22O11। और जब हमको ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना होगा तो ग्लूकोज एक्चुअली बनता किससे है, तो शर्करा से ही बनता है ग्लूकोज, यानी सुक्रोज से बनता है। लेकिन ग्लूकोज बनाने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि सुक्रोज को जल के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो सुक्रोज बोले तो चीनी, C12H22O11। और जब इसको वाटर के साथ फॉर्मेशन करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हम लोगों को दो पार्ट्स में टूटता है। ये कौन कौन से पार्ट है, C6H12O6 और फिर से C6H12O6। एक का नाम है दोस्तों ग्लूकोज और एक का नाम है हम लोगों को फ्रक्टोज, याद रखिएगा। तो यही है हम लोगों को ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फार्मूला सेम होता है, बस नाम जो है अलग अलग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ग्लूकोज बनता कैसे है, तो ग्लूकोज बनता है जब सुक्रोज को वाटर के साथ, यानी कि जब चीनी को पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब हम लोगों को बनता है कौन सी, तो ग्लूकोज, ठीक है। अब रहा बात कि सुक्रोज आखिर पाया कहाँ जाता है, तो याद रखिएगा सुक्रोज जो है, या सुक्रोज बोलिए या सुक्रोस बोलिए, ये हमेशा मीठे फलों में पाया जाता है। विशेष रूप से सबसे ज़्यादा जो सुक्रोज है वो अंगूर में पाया जाता है, विशेष रूप से, यानी कि मुख्यतः ये फलों में पाया जाता है, ठीक है, फ्रूट में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है अंगूर में पाया जाता है। और इसके अलावा शहद, शहद का मतलब मध जिसको बोलते हैं, जो मधुमक्खी छत्ते में के अकॉर्डिंग बनाती है ना शहद, तो इसलिए सुक्रोज जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में मीठे फलों में पाया जाता है, और मीठे फलों में भी सबसे ज़्यादा किस में, अंगूर में, याद रखिएगा। इसके अलावा सुक्रोज जो है शहद में भी पाया जाता है। तो इसके नीचे एरो देकर, निर्माण के सेकेंड एरो देकर लिखेंगे सुक्रोज मीठे फलों, ब्रैकेट में विशेष रूप से अंगूर में तथा शहद में पाया जाता है, विशेष रूप से शहद तथा अंगूर में पाया जाता है, ये लिखें। तो हम लोग तीसरा देखें कि भाई निर्माण कैसे होता है। तो आप याद रखिएगा कि ग्लूकोज बनता कैसे है, तो जब सुक्रोज को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अब सबसे पहला बात कर लेते हैं अभिक्रिया का, तो चौथा नंबर पॉइंट्स देंगे, लिखेंगे अभिक्रिया। अब अभिक्रिया कई तरह की होती है, लेकिन ग्लूकोज मेरा अब फिक्स रहेगा, क्योंकि टॉपिक्स जो है हम लोग बनाए हैं वो ग्लूकोज बनाए हैं, यानी ग्लूकोज इज फिक्स
और जो हम लोग रिएक्शन कराएंगे वो अलग अलग यौगिक या तत्व के साथ कराएंगे। तो पहला, चौथा में अभिक्रिया सीख रहे हैं, तो पहला अभिक्रिया हम लोग हाइड्रोजन के साथ देखेंगे, हाइड्रोजन के साथ, यानी ग्लूकोज का जो अभिक्रिया है किसके साथ देखेंगे, हाइड्रोजन के साथ। तो याद रखिए कि अगर ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या, तो याद रखिएगा ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, तो उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे जब ग्लूकोज को हाइड्रोजन को हम लोग ब्रैकेट में H2 रिएक्शन में लेते हैं। रिएक्शन में हाइड्रोजन का क्या यूज करते हैं, H2, है ना। जब ग्लूकोज को हाइड्रोजन मतलब कि H2 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो H2 के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हेक्सेन का निर्माण होता है। हेक्सेन का निर्माण होता है। याद रखिएगा कि ग्लूकोज को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, हेक्सेन। चलिए इसके रिएक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फार्मूला याद रखिएगा C6H12O6। ये फ्रक्टोज का भी फार्मूला है, ग्लूकोज का भी फार्मूला है, क्योंकि नाम अलग अलग होता है लेकिन फार्मूला दोनों का सेम होता है। तो ग्लूकोज को हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए हमेशा यूज करते हैं H2, इसको रिएक्शन कराएंगे तो हेक्सेन बनता है, और हेक्सेन का फार्मूला होता है C6H14 और बाद बाकी O2 ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा, यही है हम लोगों को हेक्सेन। तो याद रखिएगा कि जब ग्लूकोज को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हेक्सेन बनता है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। तो पहला अभिक्रिया था हाइड्रोजन के साथ, अब बी में लिखेंगे जल के साथ। जल के साथ अगर ग्लूकोज को जल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, चलिए लिखा जाए। जब ग्लूकोज को, एरो देकर लिखेंगे, जब ग्लूकोज को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो, जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल, याद रखिएगा ग्लूकोनिक अम्ल। अब ग्लूकोनिक अम्ल क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है C6H12O7। याद रखिएगा ग्लूकोनिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो हाँ, अभी हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब ग्लूकोज को जल के साथ अभिक्रिया, ग्लूकोज मेरा फिक्स है, अब की बार हाइड्रोजन के साथ, तो याद रखिएगा हेक्सेन बनता है, जल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। क्या बनता है इसको, ग्लूकोनिक अम्ल। अब ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, उसका फार्मूला क्या, C6H12O7, ठीक है। ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होता है। चलिए अब इसके नीचे हम लोग जरा रिएक्शंस देख लेते हैं। तो जल के साथ है ना भाई, ग्लूकोज का जल के साथ, तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ये रहा ग्लूकोज, इसको जल के साथ कराते हैं तो H2O, ये रहा हम लोग ग्लूकोज और ये रहा जल। तब ग्लूकोज को जल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हम लोगों को क्या बनने वाला है, ये हम लोगों को बनेगा C6H12O7, ठीक है, C6H12O7 और प्लस में H2, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब ग्लूकोज को वाटर के साथ यानी कि जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम लोगों को C6H12O7 बनता है, जिसका नाम होता है ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है। तो ये दूसरा रिएक्शन हुआ ग्लूकोज के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर सी अभिक्रिया, इस बार हम लोग देखेंगे नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल के
7। अब नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला हम कई बार बता चुके हैं। नाइट्रिक अम्ल का याद रखिएगा HNO3 होता है। अगर नाइट्रस अम्ल होता तो HNO2 होता, ठीक है। तो थर्ड नंबर रिएक्शन हम लोग किसका देख रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल का। तो आखिर क्या होगा नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो, याद रखिएगा नाइट्रिक अम्ल का जो फार्मूला होता है, नाइट्रिक अम्ल रहेगा तो इसका फार्मूला होता है HNO3। अगर नाइट्रस रहेगा तो, दोनों में अंतर है भाई, नाइट्रस अम्ल रहेगा तो इसका फार्मूला होता है HNO2, ठीक है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसका रिएक्शन भाई, तो ग्लूकोज का, ठीक है। यानी ग्लूकोज फिक्स है, उसको हाइड्रोजन से कराएंगे तो क्या बनेगा, याद रखिएगा, उसको जल से कराएंगे तब क्या बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आइए चलिए चलते हैं नाइट्रिक अम्ल से, देखते हैं कि क्या बनेगा रिएक्शंस के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको सबसे पहले एरो देकर लिखना होगा, जब ग्लूकोज को नाइट्रिक अम्ल के साथ, जब ग्लूकोज को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सैक्रिक अम्ल, याद रखिएगा सैक्रिक अम्ल बोले तो C6H10O8, ठीक है। क्या बनता है C6H10O8 का निर्माण होता है, C6H10O8 का निर्माण होता है किसके साथ, तो जब नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो, ठीक है। अब जैसे इसका रिएक्शंस देख लेते हैं कि कैसे बनता है। सबसे पहले ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, इसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल के साथ यानी कि HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों को बनेगा सैक्रिक अम्ल। सैक्रिक बोले तो C6H10O8, और इसके साथ बाहर क्या होगा, तो इसके बाद बाहर जो होगा NOH3, ठीक है, NOH3। तो ये हम लोगों को मेन प्रोडक्ट नहीं है, मेन प्रोडक्ट ये है C6H10O8, जिसको हम लोग सैक्रिक अम्ल कहते हैं। तो कुल मिलाकर ग्लूकोज का अभिक्रिया हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज किसके किसके साथ रिएक्ट करके क्या क्या बना सकता है। तो इस तरीके से ग्लूकोज के बारे में हम लोग जो है पूरे पॉइंट्स को पढ़ा कि ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है, उसका संरचना कैसे बनेगा, उसमें किरल कार्बन कितना होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अभिक्रिया को देखा कि आखिर उसका अभिक्रिया किसी के साथ, यानी कि हाइड्रोजन के साथ होगा तो क्या बनाएगा, जल के साथ होगा तो क्या बनाएगा, और नाइट्रिक के साथ होगा तो क्या बनाएगा। तो इस तरीके से ग्लूकोज के बारे में हम लोगों ने पूरे तरीके से पढ़ा। अब अगले दिन का टॉपिक से हम लोगों को फ्रक्टोज भी लिख सकते हैं, और फ्रक्टोज भी लिखा जाता है, कोई कोई बुक में फ्रक्टोज लिखता है, फ्रक्टोस लिखा जाता है, तो वो मायने नहीं रखता है। हम लोग अगले दिन से पढ़ेंगे फ्रक्टोज के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।